आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन इज, इन क्वेश्चन में बेसिकली हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जो कि इन सिंबल्स का मतलब बता रही हैं, इन दोनों ए और बी के बीच का रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। इन स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें इसे इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है और बताना है कि कंक्लूजन्स ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। सो प्रोसीड करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ए डॉलर बी मीन्स ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पर हम साथ के साथ नोट कर लेते हैं। तो पहले में हमें गिवन है ए डॉलर बी means A is not greater than B, कि A B से बड़ा नहीं है। तो conclusion क्या हुआ basically हमारा, that is B is greater than equals to A, okay? Next हमें क्या given है, A percentage B. A percentage B means A is not smaller than B, कि A जो है वो B से छोटा नहीं है। A is not smaller than B. तो इसका conclusion क्या है हमारे पास, that is greater than equals to B, okay? नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ए कॉपीराइट सिंबल बी, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, मींस ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉट स्मॉलर देन बी, कि ए ना ही छोटा है ना ही बड़ा है बी से। ए इज नाइदर ग्रेटर देन नॉट स्मॉलर देन बी। तो कंक्लूजन क्या है, दैट इज अगर ना ही छोटा है ना ही बड़ा है, दैट मीन्स ए इज इक्वल्स टू बी। आगे क्या गिवन है हमें, ए स्टार बी, ए स्टार बी मीन्स ए इज स्मॉलर देन बी, कि ए जो है वो क्या है, छोटा है बी से, दैट मीन्स बी इज ग्रेटर देन ए। ये कंक्लूजन हुआ इसका, दैट इज बी इज ग्रेटर देन ए, ओके। सो ये सारे सिंबल्स हो गए और ये सारा इसके मीनिंग हो गए। तो अब हमें स्टेटमेंट जो गिवन है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें तीन रिलेशन गिवन है बेसिकली। तो पहला है हमारे पास एच कॉपीराइट सिंबल एफ, नेक्स्ट हमारे पास गिवन है एफ डॉलर आर, एफ डॉलर सिंबल आर, नेक्स्ट हमें गिवन है आर स्टार के। तो हमने तीनों को नोट कर लिया। अब करना क्या है बेसिकली, यहाँ पे जैसे हमारे पास कॉपीराइट सिंबल है, तो यहाँ पे कॉपीराइट सिंबल का क्या मतलब है, दैट इज इक्वल्स टू। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल्स टू एफ। सीधा सीधा रिप्लेस करना है सिंबल्स को, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन है, एफ डॉलर आर, तो इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, आर स्टार के, तो स्टार का क्या मतलब है, दैट इज ग्रेटर देन, तो यानी कि के इज ग्रेटर देन आर, ठीक। अब इनके बेसिस पे हम इनका स्टेटमेंट बिल्ड करते हैं। तो ये हो गया एफ कॉमन है यहाँ पर, तो ये हो गया एच इज इक्वल्स टू एफ, आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एंड के इज ग्रेटर देन आर। तो ये हमारा इक्वेशन बिल्ड हो गया। अब हम कंक्लूजन्स को चेक करते हैं। तो पहला कंक्लूजन है हमारे पास, दैट इज आर स्टार एच, तो हमने यहाँ पर लिख लिया आर स्टार एच। और सेकेंड क्या है हमारे पास, दैट इज के डॉलर एफ, तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं के डॉलर एफ, ठीक है। अब आर स्टार एच का क्या मतलब है, स्टार का मतलब क्या है, ग्रेटर, तो यानी कि एच इज ग्रेटर देन आर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एच इज ग्रेटर देन आर। डॉलर का क्या मतलब है, दैट इज दिस, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, ठीक। अब हम कैसे बताएंगे कि कंक्लूजन ट्रू है कि नहीं, हम स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं करेंगे, हम कंक्लूजन से स्टेटमेंट पे जाएंगे, ठीक है। कैसे, अब यहाँ पे सिंबल क्या है, ऐसे, राइट, ग्रेटर का है, तो इसको हम एक गेट की तरह ज्यूम करेंगे कि जिस साइड ये ओपन हो वो गेट हो गया ओपन गेट, और जिस साइड ये बंद है वो हो गया क्लोज गेट। ये गेट है, दैट मीन्स हमें ओपन गेट से हम क्लोज गेट की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो इसका मतलब हमें एच से आर की ओर ट्रैवल करना है। तो इस स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि अगर हम एच से आर की ओर ट्रैवल कर पा रहे हैं तो ये कंक्लूजन सही है, अगर नहीं तो ये कंक्लूजन गलत है। तो हमें एच से कहाँ जाना है, आर तक जाना है। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल्स टू, दैट मीन्स कि गेट दोनों साइड से खुला है, एच से हम एफ पे आ गए, एफ से हमें आर पे जाना है, तो यहाँ पे गेट क्या है, क्लोज है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हुई, गलत हो गई। इसी तरह से हम दूसरा स्टेटमेंट को चेक करेंगे। अब गेट इस साइड ओपन है, दैट मीन्स हमें एफ से कहाँ जाना है, के पे जाना है। अब एफ कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, ठीक है। एफ से हमें कहाँ जाना है, के पे जाना है। अब गेट यहाँ पर क्या है, क्लोज है, तो गेट अगर क्लोज है तो हम आगे ट्रैवल ही नहीं कर सकते। तो यानी कि ये कंक्लूजन भी क्या हुई, गलत हुई। दैट मीन्स ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, दोनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज नाइदर कंक्लूजन वन नॉर सेकेंड इज ट्रू, ओके।
थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।